हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कलेजी फ्राई की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और एकदम डिलीशियस बनता है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया है। कलेजी फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कलेजी ले लिया है, तो इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। अभी हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच ग्रीन पेस्ट। तो इसमें मैंने डाला है अदरक, लहसुन और धनिया। इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है। फिर हमें इसमें डालना है नमक, तो टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। और फिर इसमें हम कलर ऐड करेंगे थोड़ा सा, तो कलर ऑप्शनल है। यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून कलर ऐड कर रही हूँ। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी इसे मिक्स करके हम आधा घंटा रखेंगे मैरिनेशन के लिए, फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो ये आधा घंटा मैंने अच्छे से रखा है और अच्छे से ये मैरिनेट हो गया है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, कॉर्नफ्लावर के जगह पे चावल का आटा भी इसमें हम डाल सकते हैं। अच्छे से ये आटे को हमें इस पर कोट कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इतने क्वांटिटी के लिए एक चम्मच काफ़ी है। तो अभी हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे तेल अच्छे से गरम कर लिया है। तो अभी हम इसमें एक एक पीस डाल देंगे। तो इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है, और डालने के बाद तुरंत इसे हमें हिलाना नहीं है। एक 2 मिनट के बाद हम इसे चलाएंगे। तो अभी 2 मिनट हो गया, इसे हम चलाएंगे। तो ये देखिए, अच्छे से दोनों साइड से फ्राई हो गया है। तो अभी हम इसे निकाल लेंगे और ऐसे ही हम सब फ्राई कर लेंगे। तो ऐसे मैंने सब फ्राई कर लिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच के करीब चाट मसाला, और इसे अच्छे से टॉस कर लेना है। और ऐसे हमारा जो कलेजी फ्राई है वो रेडी हो गया है। तो ऐसे हमारा कलेजी फ्राई जो है वो बनकर तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी और एकदम टेस्टी बना है। तो ज़रूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।